चांदे के पार सरपंच और ग्राम सेवक पर लगे भ्रष्टाचारी के आरोप, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर, नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये ग्रामीण पहुंचे हैं चांदे के पार से। चांदे के पार के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चांदे के पार जो ग्राम पंचायत है, सरपंच और ग्राम सेवक पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए हैं। इन ग्रामीणों ने कहा है कि जो नरेगा के तहत चलने वाले कार्य पर फर्जी जॉब कार्ड, करीबन 26 दिन तक फर्जी जॉब कार्ड चलाकर उनका पेमेंट उठाया गया है, उसको लेकर उप सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण यहाँ कलेक्टर के पास पहुँचे हैं। इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया है। तो साथियों, एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो ताकि ये सभी अधिकारियों तक मैसेज पहुँचे। और चांदे के पार के उप सरपंच है प्रतिनिधि, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने पूरा मामला बताया है। क्या कहते हैं उप सरपंच प्रतिनिधि, तो सुने उनकी जुबानी से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत के साथ। इसे मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत। आपका कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? मेरा नाम बरकत खान है, हम ग्राम पंचायत पादरिया से आए हैं और मैं ग्राम पंचायत पादरिया का उप सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हम इसलिए आए हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में सरेआम घोटाले हो रहे हैं सारी योजनाओं में। हमारी ग्राम पंचायत में 2021 और 21-22 में मनरेगा के तहत 4.5 करोड़ के काम शुरू कर दिए हैं, जिनमें से 140 टांके और 3 रोड़े हैं, जिसमें 2 ग्रेवल सड़कें हैं और एक इंटरलॉकिंग सड़क है। इसमें से एक ग्रेवल सड़क है चांदी के पार में, जो कि 14.5 लाख रुपये की, जिसमें 9.25 लाख रुपये उसकी लेबर है और 5-5.5 लाख का मटेरियल है। अभी तक उस सड़क में 3,30,000 की लेबर ही चली है, लेकिन सरपंच और जो भी अधिकारी पंचायत के हैं, उन्होंने अपने मिली भगत से वो कागज़ों में पूर्ण बताकर उसका बिल भी लगवा दिया है। और जो टांके हमारी पंचायत में बन रहे हैं, वो भी उनकी खुदाई मशीन के ज़रिए हो रही है, जिनमें से 20 या 25 टांके के मेरे पास नोट कैम के फ़ोटो और वीडियो भी हैं मशीन से खोदते हुए। और उसके अलावा जो उसमें सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, वो एक घटिया किस्म की सामग्री और थोड़ी बहुत सामग्री दे के लोगों को डरा धमका करके ये अपना काम कर रहे हैं। सरपंच कौन है? सरपंच हमारे गांव में श्रीमती वसीरा है, जिसका प्रतिनिधि उस्मान खान करके है, उसका वालिद साहब। तो उसकी शिकायत आपने वीडियो को नहीं की? नहीं सर, वहाँ कई मरतबा हमने कहा, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई होती नहीं, इसलिए आज हम करेंगे। पंचायत समिति कौन सी है आपकी? पंचायत समिति रामसर है। रामसर, तो आपने अब पहले कभी शिकायत की हो सरपंच की? पहले एक दो मरतबा हमने वीडियो साहब से वहाँ तहसील लेवल पे की, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं। आज किससे मिलने आए हो? आज कलेक्टर साहब से मिलने। ठीक है, धन्यवाद।